थैंक यू दीदी। तो बच्चों, हमने साइन आउट होने से पहले कुछ अक्षर देखे थे, तो यहाँ पे दीदी अभी कुछ बच्चों को पूछने वाली है, वो अक्षर कौन कौन से थे। तो पहले नंदन बताएगा। नंदन बोलो। कौन सा अक्षर थे? नोटबुक में लिखी कि नहीं है आपने? Yes. बोलो अक्षर, बोलो कौन कौन से थे, कौन से अक्षर पढ़ो अक्षर। अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करो। हाँ बोलो बोलो। स था और नी। न था नी और बी। न हो गया, न हो गया बोलो। मम्मी बता रही है आपको पीछे से, बी गी, मैं सुन रही हूँ मम्मी की आवाज। मम्मी बताना नहीं है। ओके तो बच्चों, अब हम चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। हम अब देखेंगे अक्षर है ना, जो अक्षर है बी की मात्रा शब्द में दिखते हैं, तो कैसे दिखते हैं वो हम चित्र के माध्यम से जानेंगे। ओके दीदी स्लाइड प्लीज। ओके तो बच्चों, आप यह चित्र देख सकते हो। तो इस चित्र में कौन से अक्षर में ई की मात्रा जुड़ी है, कौन बताएगा? लगा रहे हैं देवेश, जो बच्चे स्क्रीन को हाथ मत लगा राजा। ओके यहाँ पे ना थोड़ा सा काय को बोलना है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ अंडगुंडो की है। दीदी कैन यू चेक, ओके बच्चों स्क्रीन को हाथ मत लगाओ क्योंकि हमारे बाकी दोस्तों को नहीं दिखता है फिर बराबर। ओके चैतन्य, आपको आपको बहुत बार चांस मिलता है ना, अभी आपके दूसरे साथियों को भी मिलना चाहिए चांस। आई होप सो अभी आप समझ सकते हो दीदी क्या कहना चाहती है। तो यहाँ पे किताब में बच्चों ने लिखा है कि क अक्षर में ई की मात्रा जुड़ी है और यह शब्द क्या तैयार हुआ है, मुझे बताएगा सुंदरम। सुंदरम बोलो। किताब। किताब। किताब, वेरी गुड सुंदरम, शब्द तैयार हो गया है किताब, वेरी गुड। सुंदरम अब म्यूट पे जाओ, वेरी गुड सुंदरम। दीदी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लावण्य तो बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम करने लग गया है। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ चित्र है गिलास का, आप देख सकते हो यहाँ पे कौन से अक्षर में ई की मात्रा आई है। चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में यूज चैट बॉक्स।
चैट बॉक्स में टाइप करना है, जो बच्चा लिखेगा सुंदरम ने लिखा है, राइट आंसर है सुंदरम, पर मैं बार बार आपके उत्तर नहीं बताऊंगी। आर्यन मकर ने भी बताया है, लावण्य ने भी बताया है राइट आंसर, मैं और बच्चों के उत्तर का जवाब के लिए देख रही हूँ। दिशाली ने भी लिखा है, दिशाली ई की मात्रा गलत है तुम्हारी। और बच्चे कौन से है, लेट मी सी। गिलास है, गिलास नहीं है, गिलास। यहाँ पे इस शब्द में कौन से अक्षर पे आया है, कृतिका, कृतिका वन है, बोलो कृतिका वन है। वेरी गुड, कृतिका ने सही जवाब। आतिफ शेख, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ राजा, ओके। अभी बस आपको पहचानना है कौन से अक्षर में ई की मात्रा जुड़ी है, ओके। दीदी मैं बताता हूँ, ग गी ग गी गी ग ग में जुड़ा है, राइट आंसर। पांच मिनट लो, ग में ई की मात्रा लगा। नेक्स्ट स्लाइड दीदी, यस। बारिश, बारिश में कौन से अक्षर में ई की मात्रा है, बारिश। सुंदरम राइट आंसर, लावण्य राइट आंसर, ई की मात्रा लगा। आर्यन राइट आंसर, लक्ष्य बताओ मुझे, लक्ष्य कौन से अक्षर में ई की मात्रा जुड़ी है। र में, वेरी गुड, जो बीच का अक्षर है उसमें ई की मात्रा जुड़ी है, वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज दीदी, यहाँ है कौन, है कौन पहचानेगा, ये किसका चित्र है, चैट बॉक्स में लिखो। किसका चित्र है, कौन है यह, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इनको, डाकिया, पोस्टमैन, डाकिया कहते हैं हम इसे। तो इसके डाकिया में कौन से अक्षर में ई की मात्रा जुड़ी है, क। क में। कौन सा बच्चे बीच में, श्रियांश, श्रियांश उत्तर बताना नहीं है, हाथ ऊपर करना है नंदन की तरह। लिफाफा, वेरी गुड, यहाँ में क अक्षर की मात्रा जुड़ी है। यस, डाकिया, पोस्टमैन। दीदी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, ओके। बच्चों यहाँ पे दीदी पीछे जाइए, यहाँ पे दीदी ने ना कुछ अक्षर अभी जो आपको पढ़ा है ना उसको वाक्य में प्रयोग करना है। दीदी आपको पांच मिनट दे रही है, आपको उसका वाक्य में प्रयोग करना है, ओके। स्टार्ट राइटिंग, चेक कर लियो तो बोल।
मैंने घर पे डाकू लाया। वाक्य लिखना है बेटा, लिखना है। आपके पास 5 मिनट है। टीचर, डाकिया पत्र है। डाकिया सबके घर पे जाती है। मैम डाकिया सत्तर नाम में पहुंचाती है। चित्र मैम मुझे किताब पढ़ना बहुत पसंद है। मैम दातिया पत्रों सत्तर थप्पड़ पहुंचाती है। मैम मुझे किताब पढ़ना बहुत पसंद है। मैम मुझे किताब पढ़ना बहुत पसंद है। मैम मुझे ना मैम मैं इतिहास में पानी पी रही हूँ। मैम मैं इतिहास में पानी पी रही हूँ। मैम किताब वाक्य लिखना है। वाक्य लिख के रखिए। सुंदरम ऐसे नहीं बोलना है, जब दीदी बोलेगी आपको बोलने तब बोलना है, ठीक है? आप अनम्यूट करके नहीं बोलोगे। मैम डाकी लिखना है। डाकिया ओके वेरी गुड एवरीवन। सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है। ओके यहाँ पे दीदी पूछेगी अनवित को। अनवित को चांस अभी तक नहीं मिला है। सो अनवित पहला वाक्य क्या बनेगा जो हमने चित्र देखा है, बोलो। क्या बेटा? अनवित बोलो। कुछ नहीं मैम। अनवित अनवित को कहा रुद्र मैंने। अनवित बोलो। अनवित को आवाज नहीं जा रही है शायद दीदी की। आर्यन हत्तरे बोलो, अनम्यूट करो अपने आप को। मुझे किताब बहुत पसंद है। मुझे किताब बहुत पसंद है, वेरी गुड। अभी श्लोक बोलेगा, श्लोक बोलो। श्लोक अनम्यूट करो अपने आप को बेटा। श्लोक उठो बोलो बेटा। श्लोक डाकिया पत्र लाता है। हम कह सकते हैं डाकिया चिट्ठी लाता है।
ओके, डाकिया चिट्ठी लाता है। दूसरा कौन बताएगा मुझे किसका तैयार हो गया है? रिजवान बोलो, रिजवान बोलो क्या लिखा आपने? रिजवान मेरे घर पे डाकिया है। ओके, मैंने दूसरे चित्र के बारे में कहा, मैंने चार चित्र आप लोगों को बताए थे। यहाँ पे ना एक लड़की ने मुझे डांस करके बताया। ओके, भगवत, भगवत कौन है? भगवत जिसने डांस कहा है। ओके, वो बताएगा मुझे। वेरी गुड। यहाँ पे तीसरा चित्र था गिलास का। गिलास, गिलास पे किसने वाक्य बनाया है? गिलास में पानी है ठंडा। कोरस आंसर कोई तो बच्चा दे रहा है। नो कोरस आंसर, दीदी नहीं लेने वाली। हमारा लेट मी सी, इसने चैट बॉक्स में डन लिखा है। सुंदरम तुम बोलो। मैम मैं, उसने चैट बॉक्स में लिखा है, आई एम सो हैप्पी सुंदरम। बोलो सुंदरम, सुंदरम सुंदरम कहाँ चले गए? बोलो। मैं पानी पीती हूँ। मैं गिलास में पानी पीती हूँ। वेरी गुड। यहाँ पे ना मुझे एक बच्चे ने ना चैट बॉक्स में लिख के बताया है, हम गिलास में पानी पीते हैं। अनवित, वेरी गुड। अनवित चैट बॉक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। और लास्ट था बारिश। बारिश पे किसने वाक्य बनाए हैं? आर्यन कोंकणे। बारिश, आर्यन, आर्यन बाहर बारिश हो रही है। बाहर बारिश हो रही है, वेरी गुड एवरीवन। तो मुझे ना एक बच्चे से पूछना है, सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे, आज हमने कौन सी मात्रा सीखी? चलो तुम्हारा समय शुरू होता है अब। एवरीवन पेंसिल डाउन, सभी की पेंसिल नीचे, नोटबुक क्लोज और चैट बॉक्स में लिखो आज हमने कौन सी मात्रा लिखी है। एवरीवन मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रही हूँ। वेरी गुड सुंदरम, लावण्य मात्रा लिखो, मात्रा लिखो, मात्रा लिखो, मात्रा। एक सेकेंड ना, वापस बोलो श्रीनेश। मात्रा माही, बीच में नहीं बोलोगी राजा, मैंने चैट बॉक्स में लिखने के लिए कहा है। यहाँ सात बच्चों के उत्तर आए हैं। आर्यन हथकर, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी तरीके से। माही मैंने मम्मी को बैठने के लिए कहा था ना आपके? यस, ओके ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। तो आर्यन हथकरे को मैं पूछूंगी क्योंकि आज उसने सबसे ज्यादा मात्रा बोलो। मात्रा, यस, ई की मात्रा। उच्चारण बोलो, ई की कैसे होता है? ई होता है कि ई होता है? मम्मी
बोलो जोर से खींचना है कि धीरे से बोलना है ही को आर्यन धीरे से बोलना है कि मात्रा को की पद जोर से बोलना है नंदन तुम बोलो मैंने अक्षर नहीं पूछे राजा मेरा प्रश्न ध्यान से सुनो उसका उच्चारण साउंड कैसे निकलता है कहने को दीदी सभी को म्यूट पे डालिए छोटी की मात्रा छोटे ई की मात्रा वेरी गुड जिसका उच्चारण होता है ई तो बच्चों दीदी ने आपके लिए एक होमवर्क दिया है जेनिफर दीदी स्लाइड प्लीज पेज नंबर है ना 12 है 11 और 12 पेज नंबर 12 देखो टेक्स्टबुक का निकालो सभी बच्चे यस वेरी गुड एवरीवन यहाँ पे ना चित्र को पहचानो और उसके नाम लिखो दिया हुआ है वहाँ पे ऊपर कुछ शब्द दिए हैं उसको आपको पढ़ना है और नीचे कुछ चित्र दिए हैं उसके नाम लिखना है आपको ओके ओके और शाम तक मुझे 5 बजे तक भेजने की कोशिश करना है जब भी आप लिखते हो ना उसके ऊपर अपना नाम लिख दो टेक्स्ट बुक पे देखो यहाँ पे ये सारे शब्द आपको पढ़ना है यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं इस चित्र को पहचानना है और उसके बाजू में लिखना है जैसे ये चिड़िया है चिड़िया के बाजू में मैं चिड़िया का नाम लिखूंगी ओके और यहाँ पे ऊपर अपना नाम और डिवीजन लिखना भूलना नहीं ओके मैम अभी सेंड करे तो चलेगा चलेगा तो सभी बच्चे अनम्यूट करके अपने दोस्तों को बाय कहेंगे बाय एवरीवन बाय बाय